हमारे बीच अभी मम्मा नातू हैं, उनसे हम लोग पूछेंगे। ये फॉरेस्ट और ये यूथ अफेयर्स के मंत्री है, साथ ही साथ आज यहाँ पर दो दिन के दौरे में है, लोअर सुबनसिरी उसके बाद कमले डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत अहम है, क्योंकि यहाँ पर सरेंडर जो एयरगन सरेंडर अभियान को लेकर, साथ ही साथ यहाँ पर जो है एक कमले डिस्ट्रिक्ट में पिछले कई सालों से मतलब एक इशू था जो रिजर्व जो फॉरेस्ट को लेकर के, या फिर जो इसको जो है इको सेंसिटिव एरिया को लेकर के आज मतलब यहाँ पर मीटिंग जो पब्लिक के साथ हुआ है, जहाँ तक इन्होंने अपने भाषण में दिया है। लेकिन हम लोग इनसे पूछेंगे कि आज का जो इनका दौरा जो है कितना अहम है, क्योंकि सर मैं आपको सबसे पहले अरुण भूमि चैनल में स्वागत करता हूँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, जितना भी पत्रकार है, और अरुण भूमि आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इतना खास करके यह आया और पब्लिक का, गवर्नमेंट और पब्लिक का एक बहुत बड़ा मैसेज, बीच का मैसेज को आप पब्लिक का मैसेज को कैरी करने के लिए आया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये यहाँ में जो कल हम आए वहाँ से, और मैं कल कमले में रहा, और यहाँ का आने का जो दौरा का जो असली मकसद ये है कि लास्ट टाइम असेंबली में यहाँ का जो विधायक पूछी गए को और ये सके इनका गांव का जो बाउंड्री है रिजर्व फॉरेस्ट का बाद फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ये इंक्रोच हो रहा है, तो मैंने वहाँ में असेंबली में आश्वासन दिया कि उसको मैं जरूर जाकर देखेंगे और पब्लिक को मैं सुनेंगे, पब्लिक का वहाँ का आवाज़ को सुनेंगे, जनता का बात को सुनेंगे। इसलिए मैंने वहाँ से ईटानगर से आया, और खास करके इसको लेकर और एयरगन और जितने भी एयरगन है जो गान है उसको सरेंडर करवाने का, तो इसलिए मैं यहाँ आया। और मैंने अभी स्पीच में भी मेंशन किया कि मैं सही में देखा, पब्लिक का दुख को सुना, पब्लिक काफ़ी दुखी में है कि हमारा जमीन, हमारा जितना भी जो बाउंड्री के रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर वाइल्ड लाइफ के अंदर में कुछ गांव गिर रहा है, तो उसको बाहर करने के लिए पब्लिक ने मांग किया। तो इसलिए मैंने प्रैक्टिकल जाके गांव में भी जाके आया, और खास करके ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का भी ये आदेश था कि जितने भी जो प्रदेश में जहाँ जहाँ जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो गिर रहा है गाँव और जो रिजर्व फॉरेस्ट में गिर रहा है, उसके लिए एक कमिटी बनाना है। तो प्रैक्टिकली जाकर लोगों का साथ मिलना और लोगों से बात सुनना, उसके बाद में गवर्नमेंट का तरफ से एक इनिशिएट करके हम लोग इसको यहाँ से सरकार का तरफ से, प्रदेश सरकार का तरफ से उसको हम लोग फॉरवर्डिंग कर देंगे भारत सरकार में, और भारत सरकार फिर वहाँ से सुप्रीम कोर्ट से वो परमिशन लेना होगा। उसके लिए मैंने पूरा सुना और ग्रीवेंसेस को मैं लेके जा रहा हूँ, और जाके मैं मुख्यमंत्री जी से मैं बैठक करके उसके मैं बताऊँगा कि इस प्रकार का वहाँ का हकीकत में पब्लिक का ये सोच है, पब्लिक का ये ग्रीवेंसेस है। इसलिए मैं आया, एंड मैं आपके माध्यम से मैं सभी जितने भी गान जो सरेंडर किया उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अपना जो मदर नेचर को, अपना पर्यावरण को बचाने के लिए आज हमारा जनता, पूरा प्रदेश का जनता आज जागरूक, आज अवेयरनेस और जगह कि हमारा पशु पक्षी और हमारा नेचर को किस प्रकार का बचाना है, उसका सरकार का साथ दे रहा है, उसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपने जब से मतलब मंत्री का पद संभाला है तो अभी आपका जो एयरगन सरेंडर है ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में फैल रहा है, और यहाँ तक हम ये देखा जा रहा है कि मतलब इसके वजह से मतलब पशु पक्षी में भी जीवित हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, ये अच्छी बात है। लेकिन अभी जो हम लोग अरुण भूमि टीम जो कल ही पहुंचे थे, क्योंकि यहाँ पर अभी भी पब्लिक यानी जनता का अभी भी शिकायत है कि जैसे अभी आपने आश्वासन दिया है कि समय लग सकता है, लेकिन अभी भी उनको कंफ्यूजन ये है कि ये समय कितना लग सकता है, सर आप थोड़ा आश्वासन देंगे। देखिए, इसके लिए हम लोगों ने एक अब थोड़ी देर पहले बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि एक कमिटी बना के इसको हम लोग जहाँ आपने मेरा स्पीच में सुने होंगे कि ये उन जमाना का जो नेफा समय में शिलोंग, मेघालय में शिलोंग में हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट का कैपिटल हुआ करता था, उस समय का जो एरियल सर्वे में टोपोशिप वो मैप ऐसे बनाया गया है ताकि उस समय हमारा लोग इतना जानकारी नहीं था, पढ़े लिखे नहीं था, उनको हेयरिंग किया नहीं होगा। उस समय में ये जो बाउंड्री ऐसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड रिजर्व फॉरेस्ट बनाया गया है, तो उसको हम लोग अभी हम लोग इसके लिए हम लोग कमिटी बना के अपना प्रदेश सरकार से हम लोग फॉरवर्डिंग करेंगे और वहाँ भारत सरकार को भेजेंगे, भारत सरकार को जाकर हम लोग पार्सू करेंगे। एंड माननीय मुख्यमंत्री, हमको पूरा विश्वास है इस मसला में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री से भी पार्सू करेंगे कि ये हमारा इस प्रकार का इशू, सर ये बोल के नहीं है, पूरा
पूरा अरुणाचल में ऐसा बहुत जगह में है, उसको हम लोग जरूर करेंगे। एंड डेडलाइंस, समय को हम, क्योंकि हमारा हाथ में नहीं, सरकार का हाथ में वो नहीं है जी। ये अरुणाचल सरकार का हाथ में नहीं, ये भारत सरकार का हाथ में है, उसका भी नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में भी जाके वहाँ में परसू करना होगा। सर, आप जनता को क्या आश्वासन देना चाहता है, ये चीज जो हो सकता है कि होगा, मैं जनता को मैं जरूर जरूर ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि आप वेट कीजिए, अपना जमीन वापस मिलेगा, वेट कीजिए, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो एक दिन ना एक दिन आपका मांग जरूर होगा। और हम लोग गवर्नमेंट, ये सरकार क्या है, ये सरकार वेलफेयर गवर्नमेंट है, जनता के लिए है, हम लोग जनता का ये पूरा वेलफेयर गवर्नमेंट है, कमिटेड गवर्नमेंट है, उसको विश्वास रखिए, जरूर एक दिन में एक दिन जरूर होगा। सर, आखिरी सवाल अरुण भूमि की तरफ से, हम लोग कल से कमले से मतलब बोआसमला से लेकर के यहाँ तक पहुँचे हैं, यहाँ में देखा है कि हाईवे जहाँ तक कटिंग चल रहा है, लेकिन सभी गांव वाला का ये कहना है कि हाईवे आने का कोई एतराज नहीं है क्योंकि सभी को रास्ता चाहिए, लेकिन रास्ता जब कटिंग कर रहा है तो उसमें हमें ये देखा गया है कि जो डंपिंग ग्राउंड नहीं होने के कारण से हमारे पीछे ठीक दो नदी है, एक जो सुख है और एक जो सीम नदी है, एक नदी पूरा पोलिटित हो गया, दूसरा नदी जो है साफ है, तो इसका सीधा कनेक्शन ये है कि वहाँ में गलत डंपिंग जोन होने के कारण से हमारा पानी नीचे गंदा हो रहा है, गंदा होने की वजह से यहाँ मछली नहीं है। कल मैं खुद यहाँ का दौरा किया, इसका सर एक रीजन ये बता रहा है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो क्लियर जो है आपका जो डिजाइनेटेड डंपिंग जोन नहीं देने के कारण से ये चीज जो देखिए देखिए ये उसको बोलता है मॉक डंपिंग। मॉक डंपिंग जो है ऑलरेडी जो भी रास्ता बना रहा है, कोई भी रास्ता बना रहा है अरुणाचल में, मॉक डंपिंग जो ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में वो मार्क किया हुआ रहता है, वो मार्क में अगर वो कंपनी वहां में डंपिंग नहीं करता तो वो उसका भूल है, उसको एक्शन लेगा, वो ऑलरेडी वहां से मार्क किया हुआ रहता है, उसके लिए अपना वो उसका एक्ट है उसमें। बता रहा है कि डीसी जो है, डीसी को कंप्लेन भी किया गया, लेकिन डीसी अभी तक मतलब जो डिजाइनेटेड जो मग जो एरिया है उसको नहीं बता रहा है, तो डीसी को आप क्या बोलना चाहेंगे? ठीक है, डीसी को मैं बात करूंगा, अभी अभी आप तो बता रहा है, पब्लिक से तुम्हें सुना नहीं है, अभी पूछ रहा है पब्लिक, अगर हमको ग्रीवेंसेस देता तो मैं डीसी से मीटिंग करूंगा। तो ये था मामा नातुंग जी, उनको हमने सीधा सवाल किया है, और मैं बता दूं जितने भी जो यहाँ का पुची गेको का जो पब्लिक है, साथ ही साथ कमले डिस्ट्रिक्ट का जो पब्लिक है, उनको ये रहना है कि क्योंकि उन्होंने सीधा साफ किया है कि उन्होंने एक कमिटी गठन करेंगे, कमिटी गठन करने का समय लग सकता जरूर है, लेकिन ये सीधा बताया उन्होंने कि पब्लिक को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनका जमीन जो है उनको वापस मिलेगा। कमिटी गठित करने के बाद वो जो है भारत सरकार को एक ज्ञापन सौंपेंगे, उसके बाद उसमें ये बताएंगे कि ये जो पूछी के को अंदर जो ये सिक्की पुट्टी सब आता है तो ये जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं होना है, इसे भारत सरकार को भेजेंगे, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट को भी भेजेंगे, और आश्वासन ये दिया है कि यहाँ के जो जनता है, खासकर जो कमले बेसी जिस जगह में हम लोग खड़े हैं, यहाँ की जनता को उन्होंने आश्वासन दिया है कि ये समय जरूर लेट होगा, लेकिन उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि ये अपना जो जमीन जो हक है उनको जो है जरूर मिलेगा। और यहाँ पर जो है मंत्री साहब को कहने का मतलब ये है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो यहाँ पर नहीं होगा ऐसे, क्योंकि उनका सेंटीमेंट भी है, क्योंकि हमारा जो लोकल ट्राइब होता है उनका एक हमेशा ये रहता है कि जो पुरखों से जो चल के आ रहा होता है उनका जमीन को, उनके लिए अपना दादा परदादा का जो जमीन को जो आने वाले फ्यूचर के लिए भी हमेशा रखना उनका हमेशा ये दायित्व रहता है। अब देखते रहिए अरुण भूमि, बने रहिए अरुण भूमि, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार, जय हिंद, जय अरुणाचल।